ले बंदे ताश, अभी गाड़ी हटा दो इनको, चेक करते हैं ऑयल है कि नहीं सारा, और डिसाइड कर रहे हैं गाड़ी बेचने का। जिस ऑटोमेटिक है गाड़ी, ये ध्यान रखना इस बात का, एक कंपनी होगा भाई, जेन्युइन प्राइस है, उठाने से यही खरीदती, मेरा ही वेट करती है रोटी खिलाने का। सालों को भी टेंशन नहीं है, गाड़ी ना उठा के नहीं जाता आज। अरे भाई हटा लियो जरा, इधर हल्का सा डेंट वगैरह है गाड़ी पे। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज से खत्म, मतलब कि कल ही खत्म हो चुके हैं नवरात्रे, तो आज है कुछ नहीं, आज से मतलब दिवाली आने का वेट है, घर वगैरह तो करते हैं व्लॉग के साथ। आज चलेंगे थोड़ी देर में खाना पीना खा के बाहर, गाड़ी का देखेंगे ऑयल तो भी चेक करेंगे, उसमें ऑयल डालना है ना कि गियर ऑयल, तो वो भी है तो वो भी चेक करेंगे कि नहीं पड़ा, तो उसमें 2 लीटर गियर ऑयल या 1 लीटर जो भी होगा डाल देंगे गियर ऑयल। तो करते हैं व्लॉग स्टार्ट, तो चलते हैं अब बाहर, जाएंगे गाय को रोटी देने के लिए और ऑयल ले लेंगे 1 लीटर, उसमें डाल देंगे गियर ऑयल। तो बाकी मेरी गाड़ी के पास खेलने बंदे ताश, अभी गाड़ी हटा दो इनको, ताश हो जाते हैं चलते हैं। बाकी आज स्कूटी भी धुलवानी है, स्कूटी ना बहुत गंदी हो गई है, तो स्कूटी को करवाएंगे वॉश पहले, चलते हैं गाड़ी के पास। तो बाकी वो सब लोग ना उस गाड़ी के पीछे चले गए, मैंने जगा दिया ना, तो बाकी ऑयल लीटर पड़ा था गाड़ी में, मैंने देख लिया वहाँ पर लोग बाग ज़्यादा थे तो मैं वहाँ पर रुका नहीं जाते। अब चलते हैं आगे, बाकी आज चला के पता चल जाएगा कि ऑयल टपक रहा है कि नहीं टपक रहा है, क्या करते हैं ऑयल है कि नहीं, ये सारा चलते नहीं है, ऑयल तो है इसमें भरा हुआ, और डिसाइड कर रहे हैं गाड़ी बेचने का, जिसको चाहिए बता देना। 2009 मॉडल ऑटोमेटिक गाड़ी चल चुकी, गाड़ी चल चुकी है 98 303 किलोमीटर, और बाकी गाड़ी पूरी रॉ है, कोई मॉडिफिकेशन उतनी नहीं है, जो होंडा से आती है ना सिंपल गाड़ी है, किसी को लेना तो बता देना गाड़ी, और हाँ ऑटोमेटिक है गाड़ी, ध्यान रखना इस बात का, और सी एन जी लगी हुई है गाड़ी में, और सिक्वेंशियल किट है सी एन जी, कोई देसी किट नहीं है, सिक्वेंशियल किट है, पेपर पे चली हुई है, आरसी पे चली हुई है, जिसको भी चाहिए ना भाई ले लेना गाड़ी। ये प्राइस की बात की जाए तो गाड़ी 150 की है, 150 की गाड़ी, प्राइस कम नहीं होगा भाई, जेन्युइन प्राइस है, उठाने उठा लो गाड़ी 150 में, 150 से नीचे बिल्कुल नहीं रेट जाएगा भाई, पहले बता रहा हूँ भाई, जिसको लेना भैया ले लेना, प्राइस एकदम जेन्युइन प्राइस है, जिसको लेना ले लेना। गाड़ी चलेगी 16 महीने चलेगी दिल्ली में, दिल्ली NCR में बस, इससे इसके बाद नहीं चलेगी, NOC वगैरह का देख लेना, आपको निकलवाना नहीं निकलवाना, और ले लेना गाड़ी बस बस, और सब बात करना तो इंस्टा पे बात कर लेना, तो फॉलो कर लेना और बात भी कर लेना उस पर इंस्टा पे, बाकी गाड़ी ओके चलने वलने में कोई इशू, इंजन वगैरह में कोई आवाज़ नहीं है। इतना हैवी लोड जा रहा है, कितने एक्सल का लोड है ये, और साइड भी कैसे मांगू इससे, कहाँ जा रहा है ये, इस साइड भी जा रहा है, आ गए अपनी गाय के पास, ये गाय ना हमेशा यही खड़ी रहती है, मेरा ही वेट करती है रोटी खिलाने का, दे रहा हूँ रुक जा, देखो तो पहचान दे गाय, अरे भाई गाड़ी में मुझे ही जा, दे रहा हूँ भाई थोड़ा आगे आ जा, मजे से खा लिया इतने से, खा ले तो क्या खाना, हिस्सा यानी गाजीपुर के साइड का, और यहीं से हमारी जाती है बिहार की बसें, जो भी बिहार जाता है ना, अभी मैं आगे दिखाता हूँ वहाँ पे बस स्टैंड है बिहार में, सारी बसें यहीं से बिहार की निकलती है, तो ये रहा वो गेट, यहीं से बिहार की बसें जाती है, देख लो ना यहाँ झंडा लगा हुआ है, ये रहा यही गेट है मेन गेट, सारी बसें खड़ी है यहाँ पे, और यहीं से तकरीबन सारी बसें जाती हैं बिहार की, आनंद विहार थोड़े दूर पे, ये तो आनंद विहार का ना यार, गाजीपुर का दिल्ली में ऑटो कितने सारे हो गए हैं, सारे ऑटो ही चल रहे हैं, तो बहुत दिन बाद आए हैं फिर बिहार के साइड, यहाँ तो आना ही बंद हो गया है जब से ना, कुछ काम ही नहीं है तो यहाँ कैसे जाएंगे, तो पूरा ये बंद हो चुका है यहाँ है ना कल ही, लेकिन काम वगैरह काफ़ी अच्छा चला है, जगह जगह वगैरह ग्रिल वगैरह न्यू लगा दी है, ये प्रेत विहार का मेट्रो स्टेशन, प्रेत विहार आ गया, निर्माण विहार भी आ गए, आज लक्ष्मी नगर में कुछ काम है तो छोटा मोटा वो भी काम निपटाएंगे, तो चलते हैं निर्माण विहार से ऑयल भी ले लेंगे, यहाँ पे एक रामा मोटर्स काफ़ी अच्छे ऑयल देता है कम रेट में, तो उससे ऑयल भी ले लेंगे और कुछ काम भी लक्ष्मी नगर में वो भी करवा लेंगे, गाड़ी कर दी यहीं पे पार्क, क्या में पुलिस वाले को दिक्कत नहीं, और वो देखो रामा मोटर्स, वो रामा मोटर्स, तो वहीं चलाने जाएंगे अभी ऑयल,
और गाड़ी ना इधर सही है, इधर पुलिस वालों को भी टेंशन नहीं है, गाड़ी ना उठा के नहीं रहता आजकल। पनी क्या हो गया था, टाइट क्यों कर दिया दिल्ली पुलिस ने। बाकी इधर सही है, लक्ष्मी नगर का भी काम निपटा के आते हैं, निर्माण विहार का भी काम निपटा के आते हैं। एक ही लीटर डालेंगे, ये बड़ा महंगा है, आज दिन अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं क्या कर दिया, जाऊँ कैसे? अरे भाई हटा लो जरा, दिन सही नहीं चल रहे हैं, सब चीज़ महंगा क्यों मिल रहा है मुझे। मैं दो चीज़ छोड़ के आगे लक्ष्य में मैं दो चीज़ लेना था, बाकी ऑयल लेके आ गया, ऑयल जरूरी था तो ऑयल भी 400 रुपये का मिला। पिछली बार जो मैंने ऑयल लिया था ना वो ऑयल सही था, वो सस्ता मिल गया, ज़्यादा ही महंगा मिला। कभी कभी होता है ना, दिन सही नहीं चलता, हर चीज़ महंगी मिलती है, तो मैं दो चीज़ छोड़ के बाद में ले आऊँ। तो गाड़ी का कुछ वैसा वॉक अराउंड ले रहे हो, मतलब कि गाड़ी कुछ ऐसे लगती है, पूरे स्क्रैच वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, वो थोड़े लग जाते हैं यार बस। पीछे से कुछ ऐसा लुक है, थोड़े पेंट वगैरह तो निकल ही जाएंगे, पुरानी गाड़ी है इतनी। इधर हल्का सा डेंट वगैरह गाड़ी पे। तो आपने देख ली गाड़ी का, अंदर से दिखा देता हूँ गाड़ी में कुछ, बाकी छत वगैरह सब ऐसी है क्लियर, छत तो कोई डेंट वगैरह नहीं है, अंदर से भी तो डिसेंट है ना, नो कोई मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं है, मतलब कि जो होंडा से आती है सेम ही सीट वगैरह, होंडा की जेन्युइन सीट वगैरह है। बाकी किसी को चाहे तो बता देना, साफ अप करवा देंगे गाड़ी, देने में साफ अप करवा देंगे गाड़ी का। अपना वॉक अराउंड देख लिया पूरा, गाड़ी साफ है, शीशे वगैरह सब साफ ही है। ये गाड़ी तो बता देना इंस्टा पे, और फोटो वगैरह व्हाट्सएप नंबर दे देना, तो मैं उस पर और फोटो वगैरह सारा भेज दूंगा। आपने यूट्यूब पे तो इतना ही दिखा दिया, बाकी लंबी हो जाएगी वीडियो। बाकी चलते हैं अब घर, अब चलते हैं अपनी स्कूटी धुलवाने, स्कूटी पकड़ेंगे और उसको धुलवा देंगे, क्योंकि उसको धुलवाना जरूरी है, स्कूटी को ना बहुत गंदी होगी स्कूटी। बाकी प्राइस वगैरह तो आपने पहले सुन ही लिया था, 150 यानी कि 150,000 की गाड़ी बिकेगी, प्राइस कम नहीं होगा, ध्यान रखना भाई, जेन्युइन प्राइस गाड़ी मेंटेन में। आ गए थे घर और स्कूटी से भाई, इतना मिट्टी निकली स्कूटी से भाई साहब, परेशान हो गया ढोने का यार, इतनी मिट्टी कहते हैं, मतलब कि कंपनी में ड्राई वॉश होने लगा, पानी वाला वॉश होता नहीं कंपनी में, तो फर्स्ट सर्विस में हुई थी पानी वाली वॉश, सेकंड सर्विस में हुई ड्राई वॉश, तो उसके बाद ये वॉश ही नहीं हुई, कम से एक साल से पानी इसमें लगा ही नहीं, तो अब जाके धुलवाना भाई बहुत सारी मिट्टी का, ऐसे ही हर एक 2-3 महीने में धुलवाते रहेंगे तभी साफ रहेगी गाड़ी। तो खा लेते हैं खाना बन चुका है, 9:30 भी हो चुके हैं भाई साहब, टीवी भी अच्छे से चलने लगा क्योंकि रिमोट वगैरह ठीक किया टीवी का। तो आ गए थे अपने रूम में भाई, जिसको गाड़ी लेनी है बता देना इंस्टा पे, बाकी यूट्यूब पे कमेंट कर देना, बता दूंगा मैं सारा चीज़ सब कुछ, फोटो वगैरह सब भेज देंगे, नंबर दे देना अपना फोन नंबर, और करते हैं वीडियो से लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाय, मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।